समीर समर सिमरन मर्डर केस में मृतक बच्चों के पिता सोनू ने आज पत्रकारों के सामने अपनी बेगुनाही को लेकर कुछ तथ्य रखे। सोनू ने अपने ऊपर सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि इस मर्डर का मुख्य आरोपी जगदीप है। सोनू ने बताया कि जगदीप नाम का व्यक्ति जिस दिन बच्चों को अपने साथ मोरनी के जंगल में लेकर गया था, उस दौरान वो कैथल के शगुन पैलेस में बतौर फोटोग्राफर काम कर रहा था। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस पहले संचालकों और विवाह वाले परिवार के लोगों से बात करके वहां की सीसीटीवी फुटेज तक देख चुकी है। वहीं सोनू ने मृतक जगदीप की पत्नी रीना द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि जगदीप जानता था कि वो बुरी तरह से फंस चुका है और उसके बचने का कोई चांस नहीं, इसलिए इस ऑडियो में सोनू को लपेटने के लिए जानबूझकर बनाया गया और वायरल किया गया। इस वजह से सोनू का पक्ष जाने बिना ग्रामीणों ने उसे कसूरवार समझ लिया। सोनू का कहना है कि वो तो मोरने की तरफ कभी गया ही नहीं था। गांव की पंचायत है, गांव की पंचायत ने मेरे को बैन कर रखा है, ठीक है। गांव की पंचायत बोल रही है भाई गांव में आएगा, गांव में आना ही नहीं है, ठीक है भाई। जब तक मान ले बात हर तरीके से क्लियर नहीं होगी, तो क्लियर करोगे तो जब जब आमने सामने आओगे। मैं पिछले 7 महीने से पंचायत के सामने भी मान ले मेरी माँ है, मेरे बाप है, ठीक है। मेरा बाप हर कहीं पिछले 7 महीने से कोशिश कर रहा है भाई सोनू को आमने सामने लो, तो पंचायत नहीं हो रही है सर बिल्कुल भी। मतलब कानूनी तौर पर सर मैंने क्लीन चिट मिल गई, ठीक है। उसके बाद भी मैं ना किसी पंचायत के खिलाफ ना कहीं भी मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि इंसान ने रहना लास्ट में भी रहना समाज में ही है, ठीक है। उसके बाद भी मैं सिर्फ समाज था, मेरा गांव की पंचायत था, पूरी छत्तीस बरादरी था भाई। मैंने मेरे बारे में अगर 1000 सवाल उठे हैं ना, मैंने किसी एक सवाल में दोषी तो साबित कर दो। मैं तो अपना आपकी मैं सफाई नहीं देता, ठीक। मैं तो सच्चाई दे रहा हूँ, सच्चाई मैंने दे दी, सच्चाई मैं एक जगह देनी, तीन तीन चार चार जगह सच्चाई देगा, मैं आज निर्दोष साबित हो रहा हूँ। वहीं सोनू ने बताया कि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उससे 20 सवाल पूछे गए, सभी सवालों के हाँ और ना में ही जवाब देने थे। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसे कमरे में बंद कर उसके शरीर पर कई मशीन लगाई गई। इसके बाद आईजी करनाल की देखरेख में बनी एसआईटी ने भी उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसे बेकसूर ठहराया गया था। सोनू के मुताबिक उसे इस बात का दुख है कि उसका पक्ष जाने बिना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर उसे कसूरवार ठहरा दिया गया और इसका सीधा असर उसकी जिंदगी पर पड़ा। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। 11वें महीने की 19 तारीख 2017 को मेरे 3 बच्चों का मर्डर हो गया था, ठीक है। और एक साजिश के दौरान उसमें मेरा नाम दिया गया था, तो मैं अपनी सच्चाई के साथ हर कहीं से निर्दोष साबित होके आया हूँ, ठीक। जिसमें मेरी पुलिस जांच हो चुकी है, CIA जांच हो चुकी है, SIT जांच हो चुकी है और पोलोग्राफी टेस्ट वगैरह हर कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक। SIT जांच होने तक, कंप्लीट होने तक मैं 4-4.5 महीने जेल के अंदर रहा, ठीक। 151 के मुकदमे में भी जब तक हर कुछ जांच क्लियर ना हो भाई मैं बाहर ना हूं। तो अब जैसे कि सब कुछ हर कुछ बात क्लियर हो चुकी है, मैं बिल्कुल हर जगह से और हर एक तरीके से निर्दोष साबित हुआ हूं। तो अब जैसे कि गांव वाले हैं, गांव वाले बोल रहे हैं भी नहीं दोषी है, ठीक। तो भाई मतलब मेरे ऊपर सिर्फ आरोप थोप रहे हैं भाई, मैं तो अकेला खड़ा हो गया, पूरा समाज छत्तीस बरादरी सारी एक साइड खड़ी थी, ठीक है। और मैं अकेला एक साइड खड़े हो गया अपनी सच्चाई के साथ, मतलब हर कहीं तक क्लियर कर आया। उसके बावजूद भी मान ले गांव वाले, अब जब तक मैं 4-4.5 महीने अंदर रहा, गांव में कम से कम 30 पंचायत हो चुकी थी, ठीक है। अब पिछले 7-8 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ भी पंचायत हो, आमने सामने हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं भी महाराज पेटा नहीं भरया, ठीक है। पेटा भरने के तो सर 2 तरीके हैं, या तो नेम धर्म कर लो। मैं हर किसी मंदिर में, हर किसी मस्जिद में, जहां भी बोलो मैं खड़े होने वास्ते तैयार। सोनू ने बताया कि वो 4 महीने तक जेल में रहा। रिहा होने के बाद उसे अपना फोन तक पाने के लिए बेहद चक्कर काटने पड़े, लेकिन उसके फोन का किसी को अता पता ही नहीं चला। फोन में उसके बच्चों की यादें हैं, जिन्हें वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। वहीं बेटी सिमरन के नाम पर कैथल में खोली गई उसकी फोटोग्राफी की दुकान अब बंद हो चुकी है। मैं अपनी घरवाली, मेरी घरवाली है वो अपने मायके बैठी है, ठीक है। मेरे माँ बाप वो गाँव में बैठे हैं, मैं मामा का उधर बैठे हूँ भी। मेरा जितना जो कुछ रह रहा है, मैं अपना परिवार जोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। पंचायत मेरी बात सुने, मेरी घरवाली या उसके घरवाले मेरी बात सुने, मेरे आमने सामने आए, मेरे से बातचीत करें। उन्होंने मेरे पर जो भी सवाल जवाब करने हैं, मैं हर सवाल जवाब आमने सामने समेत सबूत रखूंगा। अब इस घटना की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन सोनू अपने बिखरे परिवार के साथ अब सम्मान से जीना चाहता है और उसने इसके लिए एक मौके की मांग की है। सत्य खबर के लिए पिहोवा से पुनीत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।